कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने फेंका चुनावी पासा, सही वक्त पर एक साथ आएगा गठबंधन, मोदी को हटाना सबका लक्ष्य। यूपी के रायबरेली, अमेठी, अयोध्या और लखनऊ में आज थम जाएगा प्रचार, पूरे दिन अमेठी में प्रियंका गांधी संभालेंगी प्रचार की कमान। अमेठी में शाम 4:15 बजे तक प्रियंका का रोड शो, राहुल गांधी भी रहेंगे साथ। अमेठी में आज बीजेपी भी लगाएगी पूरा दमखम, स्मृति ईरानी के लिए रोड शो करेंगे अमित शाह। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में, सनी देओल का दौरा, करेंगे बाइक रैली। यूपी में आज पीएम मोदी की दो रैलियां, पहली रैली प्रतापगढ़ में, बाद में बस्ती जाएंगे पीएम मोदी। 3:30 बजे बिहार के वाल्मीकि नगर में भी पीएम मोदी की रैली। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन, शाम 5 बजे के बाद प्रचार करो। 6 मई को होगा 5वें चरण का मतदान, 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 6 मई को यूपी की 14, राजस्थान की 13, लोकसभा मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर होगी वोटिंग। बुर्का पर बीजेपी विधायक संगीत सोम का बयान, कहा बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान से लोकतंत्र को खतरा। संगीत सोम ने कहा बुर्के पर देश में आतंकवाद का पर्याय। भोपाल में उमा भारती ने कहा बयान, आतंकी कसाब को मिला मिनरल वाटर, साध्वी को क्या मिला कह नहीं सकते। उमा भारती, गांधी परिवार पर किया उन्होंने वार, इस परिवार में नेहरू असली लेकिन गांधी फर्जी जुड़ा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कांग्रेस पर वार, बोले गांधी परिवार ने कांग्रेस के चमचों की गरीबी हटाई। बाराबंकी में योगी के हमशक्ल योद्धा के साथ पहुंचे अखिलेश, कहा जा रहे गोरखपुर, हम आपके लिए बाराबंकी ले आए। अखिलेश यादव का बयान, आवारा पशु से हुए हादसे पर योगी के खिलाफ दर्ज हो केस। अखिलेश यादव ने तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने का उठाया मुद्दा, कहा एक सिपाही चुनाव लड़ने चला गया तो सरकार गिर गई। बांदा में रैली में सीएम योगी ने प्रियंका गांधी पर बच्चों को गाली सिखाने का लगाया आरोप, वायरल वीडियो का दिया हवाला। सीएम योगी का बयान, जहां गौशाला नहीं बनी वहां 23 मई के बाद तय करूंगा जवाबदेही। कैसरगंज के बीजेपी उम्मीदवार ब्रजभूषण शरण सिंह, मायावती पर पलटवार में भूले भाषा की मर्यादा। तो मायावती पर बोल रहा हूँ, देखिए वो मुझे उन्होंने कहा तो मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, और मैंने आज तक कोई वसूली नहीं किया, लेकिन उसने सुनियोजित तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को लूट लिया। मायावती ने कैसरगंज के बीजेपी उम्मीदवार ब्रजभूषण शरण सिंह पर गठबंधन उम्मीदवार को धमकाने का लगाया आरोप। माफिया किस्म के अच्छी प्रकार से जानते हैं इनको, प्रतापगढ़ जिले के राजा भैया से सबक सीख लेना चाहिए। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गोंडा में रैली, बोले योगी सन्यासी भगवान की पूजा करते हैं मोदी की नहीं। तेजस्वी यादव का ट्वीट, नीतीश कुमार के करीबी, ब्रजेश ठाकुर के संरक्षण गृह में 34 बच्चियों के साथ गैंग रेप। तेजस्वी ने लिखा 11 बच्चों की हत्या, बाकी गायब, नीतीश सरकार नंगी हो चुकी है, बताए क्या करने जाते थे ब्रजेश पाठक के घर। बांदा में सीएम योगी से नहीं मिलने देने पर एक युवती ने किया हंगामा, पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रचार के दौरान अभिनेत्री वहीवा चौधरी हुई घायल, चलते चलते टूटा वैन में बना मंच। जयपुर में आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और डिप्टी सीएम सचिन पायलट का आमना सामना, दोनों करेंगे रोड शो। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने बंजारों के साथ पकाया खाना, वीडियो हुआ वायरल। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।